तो दोस्तों मैन इन बैक नाम की एक फ्रेंचाइजी बहुत पहले से चलती आ रही है तकरीबन उन्नीस सौ सतासी से और दो हजार उन्नीस के अंदर इसका अभी आखिरी पार्ट देखने को मिला है तकरीबन चार मूवीज इसमें देखने को मिल चुकी है और पांचवी अपकमिंग हमें देखने को मिल सकती है तो उसी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएगी तो वीडियो को कर दे लाइक अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं फ गैरी ग्रे द्वारा निर्देशित और आर्ट मार्कुम और मैट होलोवे द्वारा लिखित एक दो हज़ार उन्नीस अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन कॉमेडी फिल्म है टेंसेंट पिक्चर्स एम्बलिन एंटरटेनमेंट और पार्क्स प्लस मैकडोनाल्ड इमेजनेशन के सहयोग से कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा निर्मित और सोनी पिक्चर्स रिलीज द्वारा वितरित यह मेन इन ब्लैक फिल्म श्रृंखला की चौथी और अंतिम किस्त है जो लोवेल कनिघम द्वारा इसी नाम की मालिबू बटा मार्वल कॉमिक बुक श्रृंखला पर आधारित है जो बदले में षड्यंत्र सिद्धांत पर आधारित है यह पिछली फिल्मों की तरह ही एक ही ब्रह्मांड में स्थापित एक स्टैंडलोन सीक्वल के रूप में काम करता है लेकिन यह श्रृंखला की पहली फिल्म है जिसमें मुख्य किरदार के रूप में विल स्मिथ या टॉमी ली जोन्स नहीं है इसमें क्रिस हेम्सवर्थ टेसा थॉम्पसन कुमेल नानजियानी रेबेका फर्ग्यूसन राफेस पाल और लियाम नीसन मुख्य भूमिका में है एम्मा थॉम्पसन ने तीसरी फिल्म से अपनी भूमिका दोहराई है जबकि टिम ब्लैनी ने पहले दो किस्तों से फ्रैंक दपक की आवाज़ में वापसी की है फिल्म में मेन इन ब्लैक को उसके सबसे बड़े खतरे से लड़ते हुए दिखाया गया है एजेंसी में एक मोल 2012 में मेन इन ब्लैक तीन की रिलीज के बाद चौथी मेन इन ब्लैक फिल्म की चर्चा शुरू हुई फरवरी 2018 में हिम्सवर्थ ने ऑफ का नेतृत्व करने के लिए हस्ताक्षर किए ग्रे को निर्देशन के लिए काम पर रखा गया और अगले महीने थॉम्पसन कलाकारों में शामिल हो गए जुलाई से अक्टूबर 2018 तक न्यूयॉर्क शहर, मोरक को इटली और लंदन में फिल्मांकन हुआ डैनी एल्फमैन, जिन्होंने पिछली तीन किश्तों में संगीत दिया था क्रिस बेकन के साथ रीबूट की रचना करने के लिए वापस लौटे निर्माण के दौरान निर्माता वाल्टर एफ पार्कस और निर्देशक ग्रे के बीच फिल्म को महत्वपूर्ण उत्पादन संघर्ष से जूझना पड़ा मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल का प्रीमियर 11 जून 2019 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और उसके तीन दिन बाद इसे राष्ट्रव्यापी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने फीके एक्शन और भूलने योग्य कथानक की आलोचना की साथ और यह एक वित्तीय निराशा थी जिसने चौरानवे 110 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में दो मिलियन डॉलर की कमाई की कथानक उन्नीस में ब्रुकलिन में मौली राइट अपने माता पिता को मेन इन ब्लैक के एजेंटों द्वारा तंत्रिकाविहीन होते हुए देखती है जब वे अपने घर में एक एलियन को देखते हैं मौली एलियन को भागने में मदद करती है और खुद तंत्रिकाविहीन होने से बचती है तेईस साल बाद एलियन जीवन के बारे में अपने भ्रम के कारण सरकारी एजेंसियों द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद मौली एक एलियन लैंडिंग को ट्रैक करती है और न्यूयॉर्क शहर में उनके मुख्यालय तक एमआईबी एजेंटों का पीछा करती है एजेंसी में प्रवेश करते समय पकड़ी गई मौली एजेंटों पर प्रभाव डालती है यह खुलासा करने के बाद कि उसने तंत्रिकाविहीन होने से बचकर काम किया है यह तर्क देते हुए कि उनके लिए उसकी जुनूनी खोज उसे नौकरी के लिए परफेक्ट बनाती है और एजेंसी की खोज के अलावा उसका कोई जीवन नहीं है उसे एजेंट एम के रूप में परिवीक्षाधीन एजेंट का दर्जा दिया जाता है और संगठन की लंदन शाखा में नियुक्त किया जाता है वहाँ एम लंदन शाखा के प्रमुख हाई टी और एजेंट एच एज से मिलता है एम को पता चलता है कि एच और टी ने हाइव के आक्रमण का मुकाबला किया था जो एक परजीवी जाति है जो विजित प्रजातियों के डीएनए के साथ विलय करके ग्रहों पर आक्रमण करती है 2016 में एफिल टॉवर पर पृथ्वी पर मूल प्रवास में शामिल एक वर्महोल का उपयोग करके एच तब से अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गया है और केवल हाईटी द्वारा उसके लिए कवर किए जाने के कारण ही अपनी नौकरी रख रहा है एम खुद को एज की मदद करने के लिए नियुक्त करती है जो कि एलियन रॉयल्टी वुंगस द अगली एच का करीबी दोस्त है वुंगस के साथ अपनी रात के दौरान वे रहस्यमय विदेशी जुड़वा से मिलते हैं जो शुद्ध ऊर्जा के रूप में प्रकट होने में सक्षम है जुड़वा वुंगस को घातक रूप से घायल कर देते हैं जो मरने से पहले एम को एक अजीब क्रिस्टल देता है यह दावा करते हुए कि एच उनसे आखिरी बार मिलने के बाद से बदल गया है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता एम बताता है कि बहुत कम लोग वुंगस के स्थान को जानते थे और जब हाईटी ने एच को उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था तब मौजूद एजेंटों में से किसी ने उसे धोखा दिया होगा मीबी के भीतर एक गद्दार की संभावना से घबराए हुए हाईटी ने एजेंट सी और एम को जांच करने के लिए नियुक्त किया जबकि एच को डेस्क ड्यूटी पर पदावनत कर दिया गया जिसमें सबूत थे कि जुर्वा के पास हाइव के डीएनए निशान थे एच एम को माराकेश राकेश की ओर जाने वाले सुराग का अनुसरण करने के लिए मना लेता है जहां वे पौनी को बरामद करते हैं जो ट्विंस द्वारा हमला किए गए एलियंस के एक छोटे समूह का अंतिम जीवित व्यक्ति है पौनी एम के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करता है और वेसी द्वारा समन्वित एमआईबी एजेंटों द्वारा फंस जाते हैं जिन्होंने वुंगस द्वारा क्रिस्टल को एम को पास करने का वीडियो फुटेज बरामद किया और माना कि वह गद्दार है एलियन संपर्क नस्र और बासम की सहायता से एच रॉकेट से चलने वाली बाइक पर एम और पौनी के साथ भाग जाता है और उन्हें पता चलता है कि वुंगस का क्रिस्टल एक संपीड़ित नीले विशालकाय द्वारा संचालित एक हथियार है जब वे क्षतिग्रस्त बाइक की मरम्मत करते हैं तो बासम हथियार चुरा लेता है और इसे एज की पूर्व प्रेमिका रिजास्टावरोस एक एलियन हथियार डीलर के पास ले जाता है रिजा के द्वीप किले की यात्रा करते हुए तीनों बेस में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं लेकिन रिजा और उसके अंगरक्षक लुका ब्रासी द्वारा पकड़े जाते हैं लुका एलियन एम जिसे एक बच्चे के रूप में बचाया गया था रिजा को नियंत्रित रखते हुए उन्हें हथियार के साथ जाने की अनुमति देकर एहसान वापस करता है तीनों को ट्विंस द्वारा घेर लिया जाता है जिन्हें हाईटी और एजेंटों के एक समूह द्वारा मार दिया जाता है हालांकि मामला समाप्त हो गया लगता है एच और एम सबूतों की समीक्षा करते हैं और महसूस करते हैं कि ट्विंस के वाक्यांशों से पता चलता है कि उन्हें हाइव के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार की आवश्यकता थी खासकर जब हाइव डीएनए का एकमात्र सबूत हाईटी द्वारा प्रदान किया गया था उन्हें पता चलता है कि हाईटी ने केस फाइल को डिलीट कर दिया है और हथियार को सबूत के लिए नहीं भेजा है और हथियार के साथ एफिल टॉवर चला गया है सी को भी हाईटी के धोखे का एहसास होता है और वह एच और एम को एफिल टॉवर तक हाईटी का पीछा करने देता है जैसे ही वे फिर से खोले गए वर्महोल की यात्रा करते हैं एम द्वारा हाइव की हार के बारे में एच की स्मृति के बारे में पूछे जाने पर पता चलता है कि जब हाइव ने लड़ाई के दौरान टी को अपने में बदल लिया था तब वह तंत्रिकाविहीन हो गया था हाई टी हाइव हाइब्रिड हाइव को पृथ्वी पर खींचने के लिए एक वर्महोल को सक्रिय करता है टी के भर्म परिवर्तन की सच्चाई उजागर होने पर एजेंट ओ पेरिस में एच और एम के साथ मिल जाती है जहां वह एम को पूर्ण एजेंट का दर्जा देती है और एच को एमआईबी की लंदन शाखा का परिवीक्षाधीन प्रमुख नियुक्त करती है डेडलाइन हॉलीवुड ने अनुमान लगाया कि सोनी फिल्म के प्रिंट और विज्ञापन पर लगभग 120 मिलियन डॉलर खर्च करेगी एक टेंटपोल फीचर के लिए कम अंत पर विचार किया गया आंकड़ा चार उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए कई कंपनियों के साथ साझेदारी की जिसमें लेक्सस हैमिल्टन वॉचेस जैकसबी डेव एंड बस्टर और बुकिंग डॉट कॉम शामिल है लगभग 75 मिलियन डॉलर के विज्ञापन के लिए अट्ठाईस लेक्सस ने सोनी पिक्चर्स के साथ मिलकर फिल्म में अपने वाहनों को दिखाया आरसी और आर दोनों अपने एफ स्पोर्ट वेरिएंट में उन्होंने अपने आरसी मॉडल के शरीर के आधार पर एक एलियन जैसा दिखने वाला अंतरिक्ष यान भी डिजाइन किया 29. होम मीडिया यह फिल्म 20 अगस्त 2019 को डिजिटल एचडी पर और 3 सितंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लूरे अल्ट्रा एच डी ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज हुई सैंश स्वागत बॉक्स ऑफिस मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल को बनाने में चौरानवे से 110 मिलियन डॉलर की लागत आई साथ ही सहायक बाजार वे के अलावा विपणन के लिए 120 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त खर्च हुआ यह अनुमान लगाया गया था कि इसे दुनिया भर में 220 से 300 मिलियन डॉलर की कमाई करनी होगी ताकि यह बराबरी पर आ सके चार इकतीस इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 80 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में एक मिलियन डॉलर की कमाई की जिससे दुनिया भर में कुल दो मिलियन डॉलर की कमाई हुई या लगभग बराबरी पर आ गई वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसे शाफ्ट और लेट नाइट के व्यापक विस्तार के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 4,224 थिएटरों से 30-40 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था बत्तीस इसने अपने पहले दिन 10.4 मिलियन कमाए जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से 3.1 मिलियन डॉलर शामिल थे यह 30 मिलियन डॉलर से शुरू हुआ तैतीस सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहा लेकिन उम्मीदों से कम रहा और यह श्रृंखला की पहली फ़िल्म बनी जिसने 50 मिलियन डॉलर से ऊपर की कमाई नहीं की 34, पैंतीस छत्तीस इस कमज़ोर शुरुआत के लिए पुरानी फ़्रेंचाइजी खराब आलोचनात्मक समीक्षा और अन्य आगामी बड़ी रिलीज टॉय स्टोरी 4 और स्पाइडरमैन फ़ार फ्रॉम होम के लिए दर्शकों की प्रत्याशा को ज़िम्मेदार ठहराया गया चार फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में चौसठ परसेंट गिरकर दस डॉट सात मिलियन पर सैंतीस अड़तीस दुनिया भर में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ छप्पन अतिरिक्त देशों में रिलीज किया गया और इसकी कुल कमाई सत्तर पचासी मिलियन होने का अनुमान था जो दुनिया भर में एक सौ एक सौ पंद्रह मिलियन की शुरुआत थी उनतालीस इसने विदेशों में तिहत्तर दशमलव सात मिलियन डॉलर और वैश्विक स्तर पर 102.2 मिलियन डॉलर कमाए और 36 बाजारों में पहला स्थान हासिल किया संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह ही खराब वर्फमाउथ के कारण यह चीन 26.3 मिलियन डॉलर और दक्षिण कोरिया 4.9 मिलियन डॉलर जैसे एशियाई देशों में खराब प्रदर्शन कर पाया हालांकि यह मैक्सिको 3.9 मिलियन डॉलर ब्राजील 1.8 मिलियन डॉलर रूस पांच दशमलव एक मिलियन डॉलर यूनाइटेड किंगडम तीन दशमलव चार मिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया दो दशमलव छह मिलियन डॉलर और फ्रांस दो दशमलव पांच मिलियन डॉलर में पहले स्थान पर रहा शिष्य आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमाटोज पर मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल को तीन सौ बाईस समीक्षाओं के आधार पर 23 परसेंट की स्वीकृति रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग चार डॉट दस है वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है मिलनसार लेकिन भूलने योग्य एमआईबी इंटरनेशनल अपने सितारों की पर्याप्त केमिस्ट्री को एक ऐसे फ्रेंचाइज के गियर के माध्यम से पीसता है जो जारी रखने के कारणों से कम हो रहा है इकतालीस मेटा क्रिटिक पर फिल्म को इक्यावन आलोचकों के आधार पर 100 में से 38 का भारित औसत स्कोर मिला है जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है बयालीस सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जो फ्रेंचाइज का सबसे कम स्कोर है जबकि पोस्टट्रैक ट्रैक पर इसे बेहतर परसेंट समग्र सकारात्मक स्कोर और छियालीस परसेंट निश्चित रूप से अनुशंसित दिया गया सार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने इसे मेन इन ब्लैक एक और बेहद थकाऊ और निरर्थक पुनः प्रकटन कहा और फिल्म को पांच में से एक स्टार दिया तैंतालीस वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने कहा कि टेसा थॉम्पसन और हेम्सवर्थ के बीच का संबंध ही दिन बचाता है न कि उनके चरित्रों का स्क्रीन पर कुछ करना और फिल्म को मनोरंजक यदि आसमान कहा चवालीस शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने फिल्म को चार में से दो दशमलव पांच स्टार दिए उन्होंने लिखा मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल खराब नहीं है यह मेन इन ब्लैक टू 2002 और मेन इन ब्लैक तीन 2012 से बेहतर है सीक्वल जिन्हें इसके निर्माता भी भूल गए होंगे एक प्रजाति के रूप में हम इस मूल अवधारणा पर फिर से विचार करने और जिंगी निरस्त्रीकरण पहली तस्वीर पर नए बदलावों की तलाश को नवीनीकृत करने के लिए किस्मत में है पैंतालीस संदर्भ डेडलाइन हॉलीवुड ने अनुमान लगाया कि सोनी फिल्म के प्रिंट और विज्ञापन पर लगभग 120 मिलियन डॉलर खर्च करेगी एक टेंटपोल फीचर के लिए कम अंत पर विचार किया गया आंकड़ा चार उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए कई कंपनियों के साथ साझेदारी की जिसमें लेक्सस हैमिल्टन वॉचेस जैकसबी डेव एंड बस्टर और बुकिंग डॉट कॉम शामिल है लगभग 75 मिलियन डॉलर के विज्ञापन के लिए अट्ठाईस लेक्सस ने सोनी पिक्चर्स के साथ मिलकर फिल्म में अपने वाहनों को दिखाया आरसी और आर दोनों अपने एफ स्पोर्ट वेरिएंट में उन्होंने अपने आरसी मॉडल के शरीर के आधार पर एक एलियन जैसा दिखने वाला अंतरिक्ष यान भी डिजाइन किया आशचो होम मीडिया यह फिल्म 20 अगस्त 2019 को डिजिटल एचडी पर और 3 सितंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लूरे अल्ट्रा एच डी ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज हुई सैंश स्वागत बॉक्स ऑफिस मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल को बनाने में चौरानवे से 110 मिलियन डॉलर की लागत आई साथ ही सहायक बाजार वे के अलावा विपणन के लिए 120 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त खर्च हुआ यह अनुमान लगाया गया था कि इसे दुनिया भर में 220 से 300 मिलियन डॉलर की कमाई करनी होगी ताकि यह बराबरी पर आ सके चार इकतीस इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनारा में 80 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में एक मिलियन डॉलर की कमाई की जिससे दुनिया भर में कुल दो मिलियन डॉलर की कमाई हुई या लगभग बराबरी पर आ गई संयुक्त राज्य अमेरिका और कनारा में इसे शाफ्ट और लेट नाइट के व्यापक विस्तार के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 4,224 थिएटरों से 30-40 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था बत्तीस इसने अपने पहले दिन 10.4 मिलियन कमाए जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से 3.1 मिलियन डॉलर शामिल थे यह 30 मिलियन डॉलर से शुरू हुआ तैतीस सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहा लेकिन उम्मीदों से कम रहा और यह श्रृंखला की पहली फिल्म बनी जिसने 50 मिलियन डॉलर से ऊपर की कमाई नहीं की 34, पैंतीस छत्तीस इस कमजोर शुरुआत के लिए पुरानी फ्रेंचाइजी खराब आलोचनात्मक समीक्षा और अन्य आगामी बड़ी रिलीज टॉय स्टोरी चार और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लिए दर्शकों की प्रत्याशा को जिम्मेदार ठहराया गया चार फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में चौसठ परसेंट गिरकर दस डॉट सात मिलियन पर सैतीस अड़तीस दुनिया भर में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ छप्पन अतिरिक्त देशों में रिलीज किया गया और इसकी कुल कमाई सत्तर पचासी मिलियन होने का अनुमान था जो दुनिया भर में एक सौ एक सौ पंद्रह मिलियन की शुरुआत थी उनतालीस इसने विदेशों में तिहत्तर दशमलव सात मिलियन डॉलर और वैश्विक स्तर पर 102.2 मिलियन डॉलर कमाए और 36 बाजारों में पहला स्थान हासिल किया संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह ही खराब वर्फमाउथ के कारण यह चीन 26.3 मिलियन डॉलर और दक्षिण कोरिया 4.9 मिलियन डॉलर जैसे एशियाई देशों में खराब प्रदर्शन कर पाया हालांकि यह मैक्सिको 3.9 मिलियन डॉलर ब्राजील 1.8 मिलियन डॉलर रूस पांच दशमलव एक मिलियन डॉलर यूनाइटेड किंगडम तीन दशमलव चार मिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया दो दशमलव छह मिलियन डॉलर और फ्रांस दो दशमलव पांच मिलियन डॉलर में पहले स्थान पर रहा सिश आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमाटोज पर मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल को तीन सौ बाईस समीक्षाओं के आधार पर 23 परसेंट की स्वीकृति रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग चार डॉट दस है वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है मिलनसार लेकिन भूलने योग्य एमआईबी इंटरनेशनल अपने सितारों की पर्याप्त केमिस्ट्री को एक ऐसे फ़्रेंचाइज के गियर के माध्यम से पीसता है जो जारी रखने के कारणों से कम हो रहा है इकतालीस मेटा क्रिटिक पर फिल्म को इक्यावन आलोचकों के आधार पर 100 में से 38 का भारित औसत स्कोर मिला है जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है बयालीस सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जो फ्रेंचाइज का सबसे कम स्कोर है जबकि पोस्टर ट्रैक पर इसे बेहतर परसेंट समग्र सकारात्मक स्कोर और छियालीस परसेंट निश्चित रूप से अनुशंसित दिया गया स द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने इसे मेन इन ब्लैक एक और बेहद थकाऊ और निरर्थक पुनः प्रकटन कहा और फिल्म को पांच में से एक स्टार दिया तैंतालीस वेराइटी के पीटर डेब्रूज ने कहा कि टेसा थॉम्पसन और हेम्सवर्थ के बीच का संबंध ही दिन बचाता है न कि उनके चरित्रों का स्क्रीन पर कुछ करना और फिल्म को मनोरंजक यदि आसमान कहा चवालीस शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने फिल्म को चार में से दो दशमलव पांच स्टार दिए उन्होंने लिखा मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल खराब नहीं है यह मेन इन ब्लैक टू 2002 और मेन इन ब्लैक तीन 2012 से बेहतर है सीक्वल जिन्हें इसके निर्माता भी भूल गए होंगे एक प्रजाति के रूप में हम इस मूल अवधारणा पर फिर से विचार करने और जिंगी निरस्त्रीकरण पहली तस्वीर पर नए बदलावों की तलाश को नवीनीकृत करने के लिए किस्मत में है पैंतालीस संदर्भ 2014 में उन्होंने जस्टिन सिमियन की संडांस विजेता कॉमेडी डियर व्हाइट पीपल में सामंथा वाइट के रूप में अभिनय किया उसी वर्ष थॉम्पसन ने एवा डुवरने की मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बायोपिक सेल्मा में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डायने नैश की भूमिका निभाई दस दो में वह रयान कुगलर की रॉकी सीक्वल फिल्म क्रीड चार और नेट रूस की लघु फिल्म द ग्रैंड रोमांटिक में दिखाई दीं श्री दो हजार सोलह में उन्होंने HBO साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज वेस्टवर्ल्ड में बोर्ड डायरेक्टर चार्लोट हेल के रूप में एक प्रमुख भूमिका शुरू की बारह तेरह इसके अलावा दो हजार सोलह में थॉम्पसन सेकंड स्टेज थिएटर में लिडा आर डायमंड के नाटक स्मार्ट पीपल के ऑफ ब्रॉडवे रन में दिखाई दिए जिसमें महेशला अली जोशुआ जैक्सन और एनी सोन के साथ अभिनय किया चौदह पंद्रह थॉम्पसन 2017 हजार सत्रह सैन कॉन कॉमिकॉन में भाग लेते हुए अप्रैल 2016 में थॉम्पसन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्म थॉर: रग्नारोक में वालकिरी 16 के रूप में लिया गया था जो 3 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी 17 वह साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एनिहिलेशन में दिखाई दी जो 23 फरवरी 2018 को रिलीज हुई थी जून 2017 में थॉम्पसन को साइंस फिक्शन कॉमेडी सॉरी टू बॉथर यू 18 में लिया गया था जो 6 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी 19, उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा सीक्वल फिल्म क्रीड टू में बियांका टेलर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया जो 21 नवंबर 2018 को सकारात्मक समीक्षा और मजबूत बॉक्स ऑफिस रिटर्न के साथ रिलीज हुई थी अर्श थॉम्पसन ने सुपरहीरो फिल्म एवेंजर्स एंडगेम में वालकरी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया जो 26 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी उन्होंने मेन इन ब्लैक स्पिन फिल्म मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल में एजेंट एम के रूप में अभिनय किया जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ थोर रगनारोक और एवेंजर्स एंडगेम में उनके सकलाकार थे फिल्म 14 जून 2019 को रिलीज हुई थी 21 बाईस इसके अलावा 2019 में उन्होंने म्यूजिकल रोमांस फिल्म लेडी एंड द ट्रैम्प में लेडी की आवाज दी जो इसी नाम की 1955 की फिल्म का एक्शन रूपांतरण है उद्धरनवांछित वांछित। हजार उन्नीस सैन डिएगो कॉमिकॉन में यह घोषणा की गई थी कि थॉम्पसन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के चरण चार के एक भाग के रूप में सुपरहीरो फिल्म थोर लव एंड थंडर 2022 में किंग वाल्किरी वेल के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी आशसा थॉम्पसन ने मिस्ट्री साइंसफाई पॉडकास्ट सीरीज द लेफ्ट राइट गेम का सहनिर्माण किया और इसमें मुख्य भूमिका निभाई जिसे 2020 में रिलीज किया गया था ऑडियो ड्रामा सीरीज में थॉम्पसन ने एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी जो अपसामान्य साहसी लोगों के एक समूह की कहानी का अनुसरण करता है अमेजन स्टूडियोज ने श्रृंखला के स्क्रीन अधिकार सुरक्षित कर लिए जिसमें थॉम्पसन कार्यकारी निर्माता थे 24 इसके अलावा 2020 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा फिल्म सिल्वीज लव में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया जिसका प्रीमियर संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था 2021 में उन्होंने ड्रामा फिल्म पासिंग में अभिनय किया जो रेबेका हॉल के निर्देशन में पहली फिल्म है पच्चीस जनवरी 2021 फिल्म में थॉम्पसन की एकमात्र ऑन स्क्रीन भूमिका है 27 थॉम्पसन ने स्पोर्ट ड्रामा सीक्वल क्रीड 3 2023 में बियांका टेलर के रूप में अपनी भूमिका को भी दोहराया संगीत थॉम्पसन एक गायकीतकार है जिन्होंने पहले लॉस एंजिल्स स्थित इंडी इलेक्ट्रो सोल ग्रुप कॉट ए घोष के साथ सहयोग किया था अट्ठाईस उन्तीस तीस उन्होंने निर्माता मोसे सुमनी के साथ कई गानों का सहलेखन और प्रदर्शन करके क्रीड और क्रीड टू साउंड ट्रैक में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया 31, 32 रास्ते पर लाने वाला थॉम्पसन ने अपने निर्देशन की शुरुआत रात की रानी के संगीत वीडियो के साथ की जो अरोज आफ्ताब के 2024 एल्बम नाइट रेन का प्रमुख एकल था संश व्यक्तिगत जीवन थॉम्पसन ने जून 2018 में खुलासा किया कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति आकर्षित है लेकिन खुद को उभयलिंगी नहीं कहना चाहती है 34, 35, 36. फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स टेसा लिन थॉम्पसन जन्म 3 अक्टूबर उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेत्री है उन्होंने सांता मोनिका कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉस एंजिल्स महिला शेक्सपियर कंपनी के साथ अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत की द टेम्पेस्ट और रोमियो एंड जूलियट के निर्माण में दिखाई दी वेरोनिका मार्स 2005 से 2006 में उनकी भूमिका के बाद उन्हें टीना मैब्री की स्वतंत्र ड्रामा फिल्म मिसिसिपी डैम्ड 2009 और टाइलर पेरी की फॉर कलर्ड गर्ल्स 2010 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ सफलता मिली थॉम्पसन को कॉमेडी ड्रामा डियर हाइक पीपल 2014 में भूमिकाओं के लिए और एवा डुवरने के ऐतिहासिक ड्रामा सेल्मा 2014 में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डायने नैश के रूप में अनुकूल नोटिस मिले उन्होंने फ्रेंचाइजी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित किया स्पोर्ट्स ड्रामा क्रीड 2015, हजार क्रीड टू दो और क्रीड थ्री 2023 में बियांका टेलर की भूमिका निभाई और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सुपरहीरो फिल्मों में वालकिरी के रूप में जिसमें थोर रग्नारोक 2017 और थोर लव एंड थंडर 2022 शामिल है साथ ही मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल 2019 में उनकी प्रमुख भूमिका है उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों सॉरी टू बॉथर यू 2018 और एनिहिलेशन 2018 में अभिनय किया और क्रमशः सिल्वीज लव 2020 और पासिंग 2021 के लिए एमी और बाफ्टा नामांकन प्राप्त किए अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में ड्रामा सीरीज कॉपर 2012 से 2013 और विज्ञान कथा सीरीज वेस्टवर्ल्ड 2016 से 2022 शामिल है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा थॉम्पसन का जन्म 3 अक्टूबर उन्नीस को लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था एक और उनका लालन पालन लॉस एंजल्स और ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के बीच हुआ दो उनके पिता गायक गीतकार मार्क एंथोनी थॉम्पसन एफ्रोपनामेनियन है तीन और संगीत समूह चॉकलेट जीनियस इंक के संस्थापक है दो उनकी मां आधी मैक्सिकन और आधी गोरी है चार उनकी छोटी पैतृक सौतेली बहन जेसेला एक गायिका और गीतकार है वो थॉम्पसन ने सांता मोनिका हाई स्कूल में पढ़ाई की जहां उन्होंने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के छात्र प्रोडक्शन में हर्मिया की भूमिका निभाई और सांता मोनिका कॉलेज एसएमसी में भाग लिया जहां उन्होंने सांस्कृतिक निर्विज्ञान का अध्ययन किया एसएमसी में रहते हुए उन्होंने लॉस एंजल्स महिला शेक्सपियर कंपनी एलएडब्ल्यूएसई की लिसा वोल्पे के व्याख्यानों में भाग लिया आजीविका अभिनय थॉम्पसन 2014 में छियालीसवें नाक इमेज अवार्ड्स में 2002 में थॉम्पसन ने लॉस के द टेम्पेस्ट के निर्माण में एरियल की भूमिका निभाने वाले तीन अभिनेताओं में से एक के रूप में अपना पेशेवर मंच पदार्पण किया 2003 में वह कैलिफोर्निया के पासाडेना में द थिएटर एट द रेट बोस्टन कोर्ट के साथ रोमियो एंड जूलियट एंटेबेलम न्यू ऑरलियंस एक में जूलियट के रूप में दिखाई दीं जिसने उन्हें नाक थिएटर अवार्ड के लिए नामांकित किया था ने 2005 में सीबीएस क्राइम ड्रामा सीरीज कोल्ड केस के एक एपिसोड में 1930 के दशक की एक लेस्पियन बूटलेगर की भूमिका में अपनी पहली टेलीविजन उपस्थिति दर्ज की उसी वर्ष वह प्रसिद्धि के लिए बरी जब उसने यूपीएन बटा सीडब्ल्यू न्योनोयर ड्रामा सीरीज वेरोनिका मार्स में जैकी कुक की भूमिका निभाई सीजन दो में एक सीरीज नियमित रूप से अभिनय किया चार छ दो हजार छ में वह एबीसी मेडिकल ड्रामा सीरीज ग्रेज एनाटॉमी में दिखाई दी छी थॉम्पसन की पहली फीचर फिल्म उपस्थिति दो में हॉरर फिल्म व्हेन स्ट्रेंजर कॉल्स के रीमेक में स्कारलेट की भूमिका में थी 2007 में वह C.W. के शॉर्टलिव्ड ड्रामा हिडन पाम्स में निक्की बार्न्स की भूमिका निभाते हुए कलाकारों का हिस्सा थीं आठ उन्हें अगली बार 2008 में डांस फिल्म मेक इट हैपन में मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड के साथ देखा गया था उन्होंने टेलीविजन सीरीज लाइफ और प्राइवेट प्रैक्टिस में अतिथि कलाकार की भूमिकाएं निभाई और हीरोज के सीजन चार में दिखाई दीं उद्धरन वांछित 2010 में थॉम्पसन टाइलर पेरी के स्टेज प्ले रूपांतरण फॉर कलर्ड गर्ल्स में दिखाई दी, जब उन्होंने सीधे पेरी से फिल्म में कास्ट होने के लिए संपर्क किया छावा इसके अलावा 2010 में उन्होंने ड्रामा सीरीज डेट्रायट एक में एक जासूस की पत्नी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी 2012 में थॉम्पसन ने हॉरर सीरीज 666 पार्क एवेन्यू में गेविन डोरन की बेटी साशा के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी 2013 में उन्होंने बीबीसी अमेरिका की पहली मूल सीरीज कॉपर में अभिनय किया छ 9, 2016 में उन्होंने शमीम शरीफ द्वारा निर्देशित शीत युद्ध जासूसी थ्रिलर डिस्पाइट द फॉलिंग स्नो में सैम रीड और चार्ल्स रास के साथ कात्या और लॉरेन की दोहरी भूमिकाएं निभाईं तैंतीस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 2016 प्राग इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता चौंतीस उसी वर्ष बाद में फर्ग्यूसन स्टीफन फ्रियर्स की फ्लोरेंस फोस्टर जेंकिंस में मेरिल स्ट्रीप और ह्यूग ग्रांट के साथ दिखाई दी पैंतीस और टेट टेलर की थ्रिलर बुक रूपांतरण द गर्ल ऑन द ट्रेन में एमिली ब्लंट ने अभिनय किया छत्तीस दो में फर्ग्यूसन ने डेनियल एस्पिनोसा की साइंस फिक्शन हॉरर लाइफ में जेक गिलेनहाल और रान रेनॉल्ड्स के साथ मुख्य भूमिका निभाई सैंतीस टॉमस अल्फ्रेडसन की क्राइम थ्रिलर द स्नोमैन में माइकल फेस्पेंडर और चार्लोट गेंसबर्ग के साथ सह अभिनय किया अड़तीस और ह्यूग जैकमैन और मिशेल विलियम्स के साथ संगीत में फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन में स्वीडिश ओपेरा गायिका जेनी लिंड के रूप में अभिनय किया दो 2019 में फर्ग्यूसन ने कई प्रमुख फिल्म भूमिकाएं की उन्होंने स्टीफन किंग के इसी नाम के उपन्यास के रूपांतरण डॉक्टर स्लिप में सहअिनय किया चालीस जो कोर्निश की एडवेंचर फिल्म द किड हु वुड बी किंग में खलनायिका मोरगाना की भूमिका निभाई इकतालीस और एफ गैरी ग्रे की साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल में रिजा स्टावरोस के रूप में सह अभिनय किया बयालीस दो हजार इक्कीस में उन्होंने लिसा जॉय की साइंस फिक्शन थ्रिलर रेमिनिसेंस में सहअभिनय किया तैंतालीस उन्होंने फ्रैंक हर्बर्ट के साइंस फिक्शन उपन्यास ड्यून के डेनिस विलेन्यूवे के फिल्म रूपांतरण में लेडी जेसिका की भूमिका भी निभाई चवालीस उन्होंने सीक्वल ड्यून पार्ट टू 2024 में भूमिका को दोहराया 45 व्यक्तिगत जीवन 2007 में फर्ग्यूसन ने अपने तत्कालीन प्रेमी लुडविग हॉलबर्ग सैतालीस जो एक साइकोसिंथेसिस थेरेपिस्ट है के साथ अपने पहले बच्चे एक बेटे को जन्म दिया 48 अपने सोप ओपेरा की सफलता और अपने बेटे के जन्म के बाद वह हॉलबर्ग के साथ स्वीडिश दक्षिण पूर्वी तट पर सिमरिसेम चली गई उन्चास दो में फर्ग्यूसन और हॉलबर्ग ने ओस्टरलेन में एक साथ टैंगो सिखाया उनचास अप्रैल २०१५ में यह जोरा अलग हो गया दो हजार सोलह से पचास फर्ग्यूसन व्यवसायी रोरी सेंट क्लेयर गेनर के साथ रिश्ते में है चार इक्यावन जिनके साथ उनकी एक बेटी है जो मई 2018 में पैदा हुई थी बावन फर्ग्यूसन और गेनर की शादी उसी साल के अंत में हुई थी पचास पाइनवुर और शेपरटन स्टूडियो के निकट होने के कारण दक्षिण पश्चिम लंदन के रिचमंड में उनका एक घर है ओषी फर्ग्यूसन को नंगे पैर चलना पसंद है जैसा कि उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा स्वार्थी रूप से मुझे नंगे पैर रहना और आरामदायक कपड़े पहनना पसंद है तिरपन उनकी यह आदत उनकी कुछ फिल्म भूमिकाओं में शामिल की गई थी जिसमें इल्सा फर्स्ट, डॉक्टर स्लिप में रोज द हेड मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल में रिजा स्टावरोस, द किड हु वुड बी किंग में मोरगाना और ड्यून में लेडी जेसिका शामिल है तिरपन चवन फिल्मोग्राफी चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ दो हजार चार डूबता हुआ भूत अमेंडा पचपन दो हजार दस लेनाट गृह देखभाल कर्मी लघु फिल्म छप्पन पल्स लिंडा लघु फिल्म सत्रह दो हजार ग्यारह अथक महिला लघु फिल्म रेबेका लुइसा फर्ग्यूसन सुंडस्ट्रॉम जन्म उन्नीस 19 अक्टूबर उन्नीस सौ तिरासी तीन एक स्वीडिश अभिनेत्री है उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत स्वीडिश सोप ओपेरा न्याटाइडर एक से 2000 से की और स्लेशर फिल्म ड्राइंग घोस्ट 2004 में अभिनय किया वह ब्रिटिश ड्रामा द वाइट क्वीन 2013 में एलिजाबेथ वुडविले के अपने चित्रण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई जिसके लिए उन्हें मिनीस्रीज या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था फर्ग्यूसन ने मिशन इम्पॉसिबल की तीन फिल्मों में टॉम क्रूज के साथ छह एजेंट इल्साफॉस्ट की भूमिका निभाई दुष्ट राष्ट्र 2015, फॉलआउट 2018 और डेड रेकनिंग पार्ट वन 2023। उन्होंने म्यूजिकल फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन 2017 मैं जेनी लिंड की भूमिका निभाई हॉरर फिल्म लाइफ 2017 और डॉक्टर स्लिप 2019 में अभिनय किया और कॉमेडी ड्रामा फ्लोरेंस फॉस्टर जेंकिंस 2016 थ्रिलर द गर्ल ऑन द ट्रेन 2016 और साइंस फिक्शन फिल्मों ड्यून 2021 और ड्यून पार्ट टू 2024 में सहायक भूमिकाएं निभाई 2023 में उन्होंने एप्पल टीवी प्लस साइंस फिक्शन सीरीज साइलो में अभिनय करना शुरू किया प्रारंभिक जीवन और शिक्षा फर्ग्यूसन का जन्म स्टॉकहोम में हुआ था और वे स्टॉकहोम के मध्य में वासस्तान जिले में पलिब्री तीन उनकी मां रोजमेरी फर्ग्यूसन चार अंग्रेज है पांच छ और पच्चीस साल की उम्र में ब्रिटेन से स्वीडन चली गई पांच उनकी ने अब्बा को उनके उन्नीस एल्बम वाटरलू के गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद करने में मदद की सात और बैंड के 1975 के स्वशीर्षक एल्बम के स्लीव पर भी दिखाई दीं आठ उनके पिता ओलोव सुंडस्ट्रोम, एक स्वीडिश व्यवसायी है चार नौ फर्ग्यूसन ने अपनी मां का उपनाम अपने मंच के नाम के रूप में लिया दस उनकी नानी उत्तरी आयरिश है छह और उनके नाना स्कॉटिश है फर्ग्यूसन ने स्वीडन में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की और द्विभाषी स्वीडिश और अंग्रेजी बोलने वाली थीं ग्यारह उन्होंने स्टॉकहोम में एडोल्फ फ्रेडरिक के संगीत विद्यालय में भाग लिया और 1999 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की शाह तेरह साल की उम्र से उन्होंने एक मॉडल के रूप में काम किया और कॉस्मेटिक परिधान और आभूषण विज्ञापनों के लिए पत्रिकाओं और टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी तेरह फर्ग्यूसन ने बहुत कम उम्र से नृत्य किया है उसने बैले टैपरांसिंग जैज स्ट्रीट फंक और टैंगो नृत्य किया उन्होंने कुछ वर्षों तक स्वीडन के लुंड में एक डांस कंपनी में अर्जेंटीना टैंगो सिखाया चौदह जबकि उन्होंने कई कला फिल्म परियोजनाओं पर अपना काम जारी रखा पंद्रह यह सुनिश्चित नहीं था कि वह अभिनय करना चाहती थी या नहीं फर्ग्यूसन के पास अन्य नौकरियां थीं जैसे डेकेयर सेंटर में काम करना नानी के रूप में आभूषण की दुकान पर जूते की दुकान पर और कोरियाई रेस्तरां में 16. आजीविका 2015 में वेना में मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन के विश्व प्रीमियर में स्टीवन गैच्जेन के साथ फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन स्वीडिश सोप ओपेरा न्याटाइडर एक से 2000 में उच्च वर्ग की लड़की अन्ना ग्रिपेनहिल्म के रूप में प्रमुखता में आईं। 16 बाद में उन्होंने स्वीडिश अमेरिकी सोप ओशन एवेन्यू 2002 में क्रिसी एरिक्सन का किरदार निभाया 17 2004 में उन्होंने मिकेल हाफस्ट्रॉम की हॉरर फिल्म ड्राइंग घोस्ट में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और बाद में वॉलेंडर 2008 में एक अतिथि भूमिका निभाई 17 स्वीडिश निर्देशक रिचर्ड होबर्ट ने उन्हें 2011 में सिमरीशम टाउन मार्केट में देखा जिसके कारण उन्होंने उनकी फिल्म ए वन वे ट्रिप टू एंटीबेस में अभिनय किया एक अठारह जिसने उन्हें स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राइजिंग स्टार पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया एक अगस्त 2012 में यह घोषणा की गई कि फर्ग्यूसन को दस भाग के बीबीसी ऐतिहासिक टेलीविज़न नाटक द वाइट क्वीन 2013 में एलिजाबेथ वुडविले की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था 20 जो फिलिप ग्रेगरी के द कजिन्स व उपन्यासों पर आधारित है जो रोजेज के युद्ध की महिलाओं के बारे में है इक्कीस द वाइट क्वीन में फर्ग्यूसन के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली बाईस और उन्हें मिनीस्रीज या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला आशसा 2015 में फर्ग्यूसन को पांचवें मिशन इम्पॉसिबल फिल्म मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र में महिला प्रधान एम आई छह एजेंट इल्साफॉस्ट के अपने चित्रण के लिए व्यापक मान्यता मिली जिसके लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस क्रूज ने फर्ग्यूसन को द वाइट क्वीन एक अट्ठाईस उनतीस में देखने और फर्ग्यूसन और इंग्रिड बर्गमैन के बीच समानता को नोटिस करने के बाद फिल्म में उनके विपरीत अभिनय करने के लिए चुना चार उन्होंने छठी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में अपनी भूमिका दोहराई जो 2018 में रिलीज हुई उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता जिसने दुनिया भर में डॉलर सात मिलियन से अधिक की कमाई की तीस इकतीस और 2023 में सातवीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन में इसे फिर से दोहराया क्रिस हेम्सवर्थ हेनरी बटा एजेंट एच एमआईबी यूके के शाखा में एक शीर्ष एजेंट टेसा थॉम्पसन मॉली राइट बटा एजेंट एम एक नौसिखिया एमआईबी भर्ती जिसे यूके शाखा में नियुक्त किया गया है मंडेया फ्लोरी यंग मॉली के रूप में लियाम नीसन हाईटी एमआईबी यूके शाखा के प्रमुख कुमेल नानजियानी आवाज पौनी के रूप में एक छोटा विदेशी योद्धा जिससे एच और एम मित्र बन जाते हैं राफेस पाल एजेंट सी यूके शाखा में वरिष्ठ एमआईबी एजेंट जो एज के अतीत को लेकर संशय में है रेबे का रिजा स्टावरोस एक विदेशी अंतरिक्ष हथियार डीलर और एज की पूर्व प्रेमिका लेस ट्विंस ट्विंस के रूप में एक आकार बदलने वाली एलियन जोरी जो एक खतरनाक कलाकृति की तलाश में है लैरी बुर्जुआ भी उस मानव का चित्रण करते हैं जिसे जुड़वा मार देते हैं और उनकी उपस्थिति उसी पर आधारित होती है एम्मा थॉम्पसन एजेंट ओ एमआईबी यूएस शाखा की प्रमुख जो न्यूयॉर्क से संचालन करती है केवन नोवाक वुंगस द अग्ली एक विदेशी शाही परिवार का सदस्य और एज का मित्र केवन नोवाक ने नस्र का किरदार भी निभाया है और बासम को आवाज दी है एनी बर्किन नेरलीन के रूप में टिम ब्लैनी फ्रैंक द पग आवाज स्पेंसर वाइल्डिंग लुका ब्रासी के रूप में एक विदेशी डकैत जो रिजा स्टावरोस के निजी अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है फ्लैशबैक में मार्सी हेरियल और इनी क्लेमेंस मॉली के माता पिता के रूप में कैमियो करते हैं थॉम फाउंटेन और ड्रू मैसी वर्म गाइज आवाज के रूप में क्रिमी जैसे एलियन जो एमआईबी के लिए काम करते हैं स्टीफन वाइट गाय बटा मोली के बगल में कॉल सेंटर में बेवकूफ आदमी उत्पादन विकास और कास्टिंग फरवरी 2018 में यह बताया गया कि क्रिस हेम्सवर्थ एफ गैरी ग्रे द्वारा निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगे आठ अगले महीने टेसा थॉम्पसन कलाकारों में शामिल हो गई नौ मई 2018 में यह बताया गया कि लियाम नीसन एजेंसी की यूके शाखा के प्रमुख के रूप में अभिनय करने के लिए बातचीत कर रहे थे दस फिल्म आर्ट मार्कूम और मैट होलोवे द्वारा लिखी गई थी और लॉरी मैकडोनाल्ड और वाल्टर पार्क्स द्वारा निर्मित थी 11 जून 2018 में कुमेल नानजियानी, राफेस पाल और लेस्टविंस लॉरेंट और लैरी बुर्जुआ को कलाकारों में जोड़ा गया बारह तेरह डैनी एल्फमैन जिन्होंने पहली तीन मेन इन ब्लैक फिल्मों का स्कोर बनाया था चौदह स्टीवन स्पीलबर्ग ने कार्यकारी निर्माण किया जैसा कि उन्होंने पहले तीन एम प्रविष्टियों के लिए किया था साथ ही बैरी सोननफेल ने भी जिन्होंने पिछली सभी फिल्मों का निर्देशन किया था फिल्माने इस्चिया में अरागोनियन कैसल फिल्मांकन स्थानों में से एक था मुख्य फोटोग्राफी 9 जुलाई 2018 को लीवसरेन स्टूडियो और लंदन के लोकेशन पर शुरू हुई और मार्केश में जेमा अलफना और एलबदी पैलेस इस्चिया और अरागोनी कैसल और न्यूयॉर्क शहर में जारी रही पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उस महीने के अंत में यह घोषणा की गई कि एम्मा थॉम्पसन एजेंटो के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी उन्नीस अगस्त 2018 में रेबेका फर्ग्यूसन कलाकारों में शामिल हुई बीस सत्रह अक्टूबर को हेम्सवर्थ ने पुष्टि की कि फिल्मांकन पूरा हो गया है 21 फिल्म में इस्तेमाल किए गए वाहन थे लेक्सस आरसीएफ और जगुआर एक सजे और रेजवानी टैंक बाईस तेईस दृश्य प्रभाव दृश्य प्रभाव डबल नेगेटिव द्वारा प्रदान किए गए थे और रोडियो एफेक्स सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स और मेथड स्टूडियो की मदद से एलेसेंड्रो ओनगारो द्वारा देखरेख की गई थी अशस निर्माता निर्देशक टकराव निर्देशक ग्रे और निर्माता पार्क्स के बीच लगातार टकराव के कारण फिल्म के निर्माण में परेशानी आई जो तब शुरू हुई जब परियोजना की देखरेख कर रहे सोनी प्रोडक्शन के कार्यकारी उपाध्यक्ष डेविड ब्यूबेयर ने 2018 की गर्मियों में स्टूडियो छोड़ दिया और उनके स्थान पर किसी अन्य को नहीं रखा गया स्क्रिप्ट का प्रारंभिक प्रारूप जिसकी सोनी ने शुरू में प्रशंसा की थी और जिसने हेम्सवर्थ और थॉम्पसन जैसे सितारों का ध्यान आकर्षित किया था तैयार फिल्म की तुलना में अधिक तीखा था जिसमें आवरजन के इर्द गिर्द मौजूदा बहस पर सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी थी मुख्य प्रतिपक्षी बीटल से प्रेरित एक विदेशी संगीत समूह होना था जिसके चार सदस्य चरमोत्कर्ष के दौरान एक खलनायक में विलीन हो जाते हैं पार्क्स जिन्होंने फिल्म पर अंतिम कट किया था ने प्री प्रोडक्शन और फिल्मांकन के दौरान पुनर्लेखन की देखरेख में बहुत बड़ा हाथ था जिसके बारे में उन्होंने और मैकडोनाल्ड ने दावा किया कि कम तैयारी के समय के कारण यह आवश्यक था पुनर्लेखन में बड़े पैमाने पर उत्पादन बजट की बाधाओं कई प्रमुख स्थानों को बदलने सहित अभिनेताओं के लिए पंचप और खलनायकों की पुनर्कल्पना शामिल थी उनके नए स्क्रिप्ट पृष्ठों ने शुरुआती मसौदे की आधुनिक संवेदनाओं को हटा दिया और हेम्सवर्थ और थॉम्पसन को प्रतिदिन भेजा गया जो दोनों इतने भ्रमित थे कि उन्होंने अपने स्वयं के संवाद लेखकों को काम पर रखा पार्क्स ने पारंपरिक निर्देशन कर्तव्यों में भी कदम रखा हालांकि डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ पार्क्स और ग्रे पोस्ट प्रोडक्शन में रंगसुधार प्रक्रिया को लेकर भी भिल गए ग्रे ने कई बार प्रोडक्शन से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन सोनी ने उन्हें रुकने के लिए मना लिया स्टूडियो ने दो कट्स का परीक्षण किया एक ग्रे द्वारा दूसरा पार्क्स द्वारा और पार्क्स के कट को थिएट्रिकल कट के रूप में चुना गया अशो संगीत मुख्य लेख मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल स्कोर मुक्त करना थिएट्रिकल फिल्म को 17 मई 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था 26 लेकिन इसे 14 जून तक आगे बढ़ा दिया गया 11 इसका प्रीमियर 11 जून 2019 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ अशी विपनन कुमेल अली नानजियानी एक बटा के एम ईल एन एन डी आई एन आई आए बटा दो सिंधी मीलू आलिय नंजियनी उर्दू मिलाल नंजेन, नैनजैन जन्म 2 मई 1978, सौ तीन एक पाकिस्तानी अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता है उन्हें एचबीओ कॉमेडी सीरीज सिलिकॉन वैली 2014 से 2019 में दिनेश की भूमिका और रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म द बिग सिक 2017 में सहलेखन और अभिनय के लिए जाना जाता है अपनी पत्नी एमिली वी गॉर्डन के साथ सहलेखन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था 2018 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया चार उन्हें 2019 में जॉर्डन पील द्वारा निर्मित द ट्वाइलाइट जोन के कार्यकारी में उनकी भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था पाँच नानजियानी ने एनिमेटेड सीरीज़ एडवेंचर टाइम में प्रिस्मो की आवाज़ भी दी है और टीएनटी सीरीज फ्रैंकलिन एंड बैश और एडल्ट स्विम सीरीज न्यूज रीडर्स में अभिनय किया है उन्होंने कॉमेडी सेंट्रल शो द मिल्ट राउंड विद जोना और कुमेल की सहमेजबानी भी की साथ ही कॉमेडी सीरीज पोर्टलैंडिया में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं उन्होंने मार्वल स्टूडियोज की सुपरहीरो फिल्म इटरनल 2021 में किंगो के रूप में भी अभिनय किया जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में सेट है उन्होंने डिजनी प्लस सीरीज़ ओबीवान के नोबी में स्ट्रीट लेवल कॉन आर्टिस्ट हाजा एस्त्री की भूमिका निभाई और टेलीविजन सीरीज द बॉयज प्रेजेंट्स डायबोलिकल एंड द बॉयज में सेलिब्रिटी वैज्ञानिक विक की भूमिका निभाई प्रारंभिक जीवन नानजियानी कराची में पलेब्रे सिंधी शिया मुस्लिम जोरे शबाना और एजाज नानजियानी के दो बेटों में से पहले थे छ बीबीसी रेडियो प्रस्तोता शेरीन नानजियानी उनकी दूसरी चचेरी बहन है सात आठ नौ अपने बचपन के दौरान वे कराची में रहते थे और अपने ओ लेवल के लिए सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े और कराची ग्रामर स्कूल से ए लेवल पूरा किया जहां वे शर्मीन ओबैद चिनॉय के क्लासफेलो थे अठारह साल की उम्र में वे अमेरिका चले गए और ग्रिनेल आयोवा में ग्रिनेल कॉलेज में दाखिला लिया जहां उन्होंने 2001 में कंप्यूटर विज्ञान और दर्शनशास्त्र में डबल मेजर के साथ स्नातक किया 10, 11, 12 इसके बाद वे शिकागो चले गए और ओपन माइक इवेंट्स में स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे दस आजीविका दो में नानजियानी ने शिकागो न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में एक मूल आत्मकथात्मक वनमैन शो लिखा और मंचित किया दस न्यूयॉर्क जाने के बाद उन्होंने स्टैंड अप करना जारी रखा और माइकल एंड माइकल हैव इश्यूज और द कोलबर्ट रिपोर्ट सहित शो में कभी कभार दिखाई दिए दस दो हज़ार नौ में उन्होंने जस्ट फॉर लाफ्स कॉमेडी फेस्टिवल में प्रस्तुति दी दस दो हज़ार ग्यारह में नानजियानी और एक सप्ले के कर्मचारी अली बेकर ने द इंडोर किड्स नामक एक वीडियो गेम थीम वाले पॉडकास्ट की मेज़बानी करना शुरू किया उसी वर्ष अगस्त के अंत में बेकर ने शो छोड़ दिया और नानजियानी ने अपनी पत्नी एमिली वी गॉर्डन के साथ मेजबानी शुरू की तेरह जब तक अन्य प्रतिबद्धताओं ने काम नहीं संभाला वह नियमित रूप से डैन हार्मन के पॉडकास्ट हार्मोनटाउन में दिखाई दिए चौदह पोर्टलैंडिया जैसे कॉमेडी शो में अतिथि भूमिका निभाने के अलावा नानजियानी को टीएनटी सीरीज फ़्रैंकलिन एंड बैश में सहायक भूमिका में दिखाया गया था उन्होंने पिंडर सिंह की भूमिका निभाई जो शीर्षक पात्रों के लिए काम करने वाला एक एगोराफोबिक फिक्शन नर था नानजियानी ने एचबीओ के वीप में एक सांख्यिकीविद के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी उन्होंने न्यूज रीडर्स पर अमीर लारूसा और एडवेंचर टाइम पर प्रिस्मो की आवर्ती भूमिकाएं निभाई थीं उनका कॉमेडी सेंट्रल विशेष बीटा मेल जुलाई 2013 में प्रसारित हुआ पंद्रह जून 2013 के अंत में कॉमेडी सेंट्रल ने जोनारे और नानजियानी द्वारा होस्ट किए गए जोना और कुमेल के साथ द मेल्ट राउंड के पिकअप की घोषणा की सोलह नर्ड मेल्ट कॉमेडी नियमित और विभिन्न हास्य कलाकारों की विशेषता वाला यह शो जुलाई 2014 में प्रसारित होना शुरू हुआ 17 अप्रैल 2014 में उन्होंने एचबीओ सिटकॉम सिलिकॉन वैली में दिनेश का किरदार निभाना शुरू किया बारह उन्होंने वीडियो गेम द दे वॉकिंग डेड सीजन टू में रेगी की आवाज़ दी अठारह जुलाई प्रत्येक एपिसोड में नंजियानी और एक अतिथि शामिल होते हैं जिसमें पूर्व एक सफाइल्स लेखक निर्माता अभिनेता और निर्देशक शामिल होते हैं जो श्रृंखला के एक या दो एपिसोड के बारे में हल्की फुल्की बातचीत करते हैं 19, 20, 30 जुलाई 2014 को नंजियानी के रीड के टीवी गाइडेंस काउंसलर पॉडकास्ट में दिखाई दिए अशी 2015 में नंजियानी ने ब्रॉड सिटी एपिसोड इन हीट में अतिथि भूमिका निभाई 22 22 मार्च 2015 से शुरू होकर उन्होंने हंट द ट्रूथ ऑडियो ड्रामा में मशाक मोराडी के चरित्र के लिए अपनी आवाज दी जो हेलो पांच गार्डियंस के मार्केटिंग अभियान का हिस्सा था तेईस पांच मई 2015 को वे इनसाइड एमी शूमर एपिसोड बारह एंग्री मेन इनसाइड एमी शूमर बारह एंग्री मेन की पैरोडी में जूरी के रूप में दिखाई दिए 24 जुलाई 2015 में नानजियानी ने एकवाटीन हंगर फोर्स और पेनजीरो पार्ट टाइम हीरो में अतिथि आवाजें प्रदान की पच्चीस दो में नानजियानी ने रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म द बिग सिक में अभिनय किया जिसे उन्होंने गॉर्डन के साथ लिखा था छब्बीस फिल्म उनके रिश्ते के बारे में है जिसमें नानजियानी खुद की भूमिका निभा रहे हैं और जो कज़ान गॉर्डन बदला हुआ एमिली गार्डनर की भूमिका निभा रही है यह फिल्म 2017 की सबसे प्रशंसित फ़िल्मों में से एक थी और इसे अमेरिकी फ़िल्म संस्थान द्वारा वर्ष की शीर्ष दस फिल्मों में से एक चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था सत्ताईस अट्ठाईस यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्वतंत्र फिल्म भी थी जिसने 40 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की उनतीस 2018 में उन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अभिनेताओं और लेखकों की शाखा में आमंत्रित किया गया था सैंश सफेद शर्ट और गहरे रंग की जैकेट पहने एक आदमी अपने माइक्रोफोन पर बोल रहा है साउथ बाय साउथ वेस्ट में नानजियानी 2019-2019 में नानजियानी ने एंथोलॉजी श्रृंखला द ट्वाइलाइट जोन के सीबीएस ऑल एक्सेस पुनरुद्धार के पहले एपिसोड को शीर्षक दिया द ट्वाइलाइट जोन में अपनी भूमिका के लिए नानजियानी को ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला फिल्म में नानजियानी ने मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल में एलियन पॉनी को आवाज दी जो 14 जून को रिलीज हुई थी इकतीस बत्तीस तैंतीस नानजियानी ने कहा मैं एक एलियन का किरदार निभा रहा हूं इसलिए आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे लेकिन आप मेरी आवाज सुनेंगे मैं एक छोटा एलियन मेनहक छिपकली हूं चीज चौतीस नाजियानी 12 जुलाई को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टूबर में भी अभिनय करते हैं पैंतीस छत्तीस सैंतीस उन्होंने एप्पल टीवी प्लस एंथोलॉजी सीरीज लिटिल अमेरिका के लिए भी लिखा और उसका निर्माण किया जिसका प्रीमियर जनवरी 2020 में हुआ था यह सीरीज एपिक मैगजीन के इसी नाम के कहानी संग्रह पर आधारित है जो अप्रवासियों की कहानियों पर केंद्रित है सीरीज को बढ़ावा देने के लिए नानजियानी 25 मार्च 2019 के एप्पल इवेंट में दिखाई दिए अड़तीस 39 नानजियानी ने माइकल शोलेटर द्वारा निर्देशित पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा निर्मित और मई 2020 में नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज की गई कॉमेडी चेज फिल्म द लवर्स में इस्सा राय के साथ अभिनय किया मार्च 2020 में कोविड 19 महामारी के दौरान नानजियानी और उनकी पत्नी एमिली गॉर्डन ने एक पॉडकास्ट लॉन्च किया स्टेइंग इन विद एमिली एंड कुमेल इकतालीस यह श्रृंखला वैश्विक महामारी के दौरान एकांत में रहने के लिए मजबूर एक जोड़े के रूप में उनके अनुभवों को दर्शाती है पॉडकास्ट को मीडिया में व्यापक रूप से सराहा गया है उच्च चिंता की अवधि के दौरान एक स्वागत योग्य राहत के रूप में बयालीस जीक्यू ने इसे लगातार प्यारा वास्तव में उपयोगी और अक्सर प्रफुल्लित करने वाला बताया तैंतालीस न्यूयॉर्क पत्रिका बताती है कि सभी सलाह प्यारे और आकर्षक मजाक के माध्यम से साझा की जाती है उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म इटर्नल में किंगो के रूप में अभिनय किया जो पांच नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी पैंतालीस नानजियानी ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया और 2019 में इटरनल की शूटिंग के लिए अपने शरीर परिवर्तन की तस्वीरें साझा करने के बाद वायरल हो गए सैंतालीस अड़तालीस जीक्यू के साथ बात करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे वह ऑनलाइन प्राप्त ध्यान की तीव्र मात्रा के कारण अपने शरीर के बारे में बोलने में कम सहेज हो गए हैं उनचास छियालीस मार्च 2021 में नानजियानी को डिजनी प्लस के लिए आगामी ओबीवान केनोबी श्रृंखला में कास्ट करने की घोषणा की गई थी 50 फरवरी 2020 में नानजियानी ने एमी राइस द्वारा निर्देशित एक राजनीतिक थ्रिलर द इंडिपेंडेंट में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए 2022 में नानजियानी ने हुलू मिनीस्रीज वेलकम टू चिप्पेंडेल्स में चिप्पेंडेल्स डांस ट्रूप के संस्थापक सोमेन बनर्जी की मुख्य भूमिका में अभिनय किया उषा चौबीस मार्च 2023 को यह पुष्टि की गई कि नानजियानी घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर के कलाकारों में शामिल हो गए थे तिरपन वह अगले वर्ष 22 मार्च को रिलीज हुई फिल्म में नदीम रजमादी बटा फायरमास्टर के किरदार में दिखाई दिए व्यक्तिगत जीवन 2007 में नानजियानी ने शिकागो सिटी हॉल में लेखिका निर्माता एमिली वी गॉर्डन से शादी की चवन वह द मिल्ट राउंड विद जोना एंड कुमेल 2014 से 2016 की निर्माता थी 6 2022 तक वे लार्चमोंट लॉस एंजल्स में रहते थे उशो नानजियानी का पालन पोषण एक कट्टरपंथी शिया परिवार में हुआ था और अब वह खुद को नास्तिक मानते हैं छप्पन नानजियानी एक शौकीन वीडियो गेमर है ऊषी 58 फिल्मोग्राफी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए स्रोत खोजे कुमेल नानजियानी समाचार समाचार पत्र किताबें विद्वान ज्येष्ठ नवंबर 2022 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2010 जीवन जिस रूप में हमें पता है साइमन 2012 हजार पांच सितारा सगाई पाकिस्तानी शेफ 2013 हजार तेरह ग्रीष्म ऋतु के राजा गैरी द डिलीवरी गाय, नरक का बच्चा केबल गाय, बैड मिलो बॉबी 2014 महान रोमांटिकों में से अंतिम जॉर्ज द काउंटर गाई सेक्स टे पुनीत 2015 लोड किया गया रजा हॉट टब टाइम मशीन दो चपटी कील फ्रेस्नो की लत डेमन नमस्ते मेरा नाम डोरिस है नासिर नरक और वापस डेव द दे डेमन आवाज की भूमिका उनसठ रोंगटे पंचों का सरदार 2016 केंद्रीय खुफिया जेरेड हवाई अड्डा सुरक्षा गार्ड कैमियो उदाहरण आवश्यक माइक और डेव को शादी की तारीख चाहिए कि नू भाई प्रकृति रिग्लेमेन साठ दोस्तों का हुनरो देर से खिलने वाला अमीर इकसठ 2017 हजार सत्रह द बिग सिक कुमेल नानजियानी लेखक और कार्यकारी निर्माता भी बासठ मुट्ठी की लड़ाई अधिकारी मेहर एक स्मारकीय घटना मानव संसाधन पेरी मजेदार डॉक्यूमेंट्री वह लेगो निंजागो मूवी नीलकंठ आवाज की भूमिका उनसठ 2018 हजार अठारह बत्तख का मक्खन जेक 2019 हजार उन्नीस टूबर्स टू टु प्रसाद तिरसठ मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल पौनी आवाज भूमिका चौंसठ उनसठ 2020 हजार बीस डूलिटिल प्लिम्पटन आवाज की भूमिका पैंसठ उनसठ द लवबर्ड्स जिब्रान कार्यकारी निर्माता भी छियासठ दो हजार इक्कीस अनंत किंगो सड़सठ दो हजार तेईस प्रवास मैक आवाज भूमिका अलसठ उनसठ दो हजार चौबीस घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर नदीम रजमादी उनहत्तर दो हजार पच्चीस एला मैके टीबीए पोस्ट प्रोडक्शन सत्तर स्पॉल किडल्थूड दो हजार छह ए गुड ईयर, दो हजार छह हॉटफिश दो हजार सात वन डे दो हजार ग्यारह एनोनिमस दो हजार ग्यारह प्रोमेथियस दो हजार बारह लाइफ ऑफ पाई दो हजार बारह द वर्ल्ड एंड दो हजार तेरह द बिग शॉट, दो हजार पंद्रह द बी एफ जी दो हजार सोलह द रिचुअल दो हजार सत्रह और जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगरम दो हजार अठारह सहित कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं स्पॉल ने 2010 से 2011 तक पीट वर्सेस लाइफ में पीट ग्रिफिथ की मुख्य भूमिका निभाई और टीवी सीरीज द शेडो लाइन और ब्लैक मिरर में किरदार निभाए है स्पॉल मेन इन ब्लैक स्पिन ऑफ फिल्म मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल 2019 में भी नजर आए मई 2020 से स्पॉल ने एप्पल टीवी प्लस कॉमेडी सीरीज ट्राइंग में अभिनय किया है प्रारंभिक जीवन राफे जोसेफ स्पाल एक बेहतर स्रोत की जरूरत का जन्म 10 मार्च उन्नीस सौ तिरासी दो को ईस्ट डुलविच लंदन में 12 डंस्टन्स रोड पर हुआ था तीन शेन नी बेकर और अभिनेता टिमोथी स्पाल के तीन बच्चों में से दूसरे द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल में नायक के नाम पर एक भूमिका जो उनके पिता ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी में निभाई थी और जिसे बाद में उन्होंने खुद निभाया उन्हें हमेशा अभिनय करने की महत्वाकांक्षा थी जब वे चौदह वर्ष के थे तो उनके पिता को माइलॉयड ल्यूकेमिया का पता चला और अगले अठारह महीने उन्होंने इलाज में बिताए स राफे किशोरावस्था में अधिक वज़न वाले थे जिसे वे एक दर्दनाक अनुभव कहते हैं पांच अपने स्कूल हैबर्डेशर्स अस्के के हेचएम कॉलेज में खराब ग्रेड प्राप्त करने के बाद छह उन्होंने एक अभिनेता बनने के लिए स्कूल छोड़ दिया और पन्द्रह साल की उम्र में नेशनल यूथ थिएटर में शामिल हो गए वे सत्रह साल की उम्र में अपने चुने हुए ड्रामा स्कूल जैसे कि राडा में प्रवेश पाने में असफल रहे लेकिन फिर भी काम किया लगातार मोटे किरदारों में भलने के बाद उन्होंने उन्नीस साल की उम्र में सतहत्तर पाउंड पैंतीस किलोग्राम वज़न कम किया जिससे उन्हें अभिनय के और अवसर मिले ओ आजीविका स्पॉल ने एडगर राइट के साथ अक्सर काम किया है उनकी फ़िल्मों शॉन ऑफ द दे डेड हॉट फज और द वर्ल्ड्स एंड में साइमन पेग और निक फ्रॉस्ट के साथ दिखाई दिए स्पॉल को 2007 की क्वेंटिन टारनटिनो और रॉबर्ट रोड्रिगेज की फिल्म ग्रिंडहाउस में राइट के सेगमेंट में भी दिखाया गया था 2007 में स्पॉल ने पहली बार अपने पिता के साथ आईटीवी के ए रूम विद अ व्यू के रूपांतरण में पिता और पुत्र की भूमिका निभाई दो में स्पॉल ने एनी हैथवे के साथ रोमांटिक त्रास्ती फिल्म वन डे में अभिनय किया 2012 में स्पाल ने एंगली द्वारा निर्देशित अकादमी पुरस्कार विजेता ड्रामा फिल्म लाइफ ऑफ पाई में कनाडाई लेखक यान मार्टेल की भूमिका निभाई यह फिल्म आलोचनात्मक और वित्तीय रूप से सफल रही जिसने चार अकादमी पुरस्कार जीते और बॉक्स ऑफिस पर छह मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की 2013 में उन्होंने आई गिव इट ईयर ए ए में नवविवाहित पति की भूमिका निभाई जो शादी के पहले वर्ष के दौरान एक जोड़े के परीक्षणों और क्लेशों के बारे में एक कॉमेडी थी दो में स्पॉल आने वाले युग के नाटक एक्स प्लस वाई में एसा बटरफील्ड और सेली हॉकिंस के साथ और मौसमी पारिवारिक कॉमेडी गेट सांता में दिखाई दिए 2015 में उन्होंने जिम ब्रॉडबैंड के साथ हिस्ट्री चैनल के तीन भाग की श्रृंखला सन्स ऑफ लिबर्टी में जॉन हैंकॉक की भूमिका निभाई और क्रिश्चियन बेल ब्रैड पिट रयान गोसलिंग और स्टीव कैरेल के साथ अकादमी पुरस्कार विजेता जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा द बिग शॉट में दिखाई दिए उस वर्ष भी स्पॉल ने हैरी प्राइस घोस्ट हंटर में हैरी प्राइस की भूमिका निभाई जो नील स्प्रिंग के डेब्यू उपन्यास द घोस्ट हंटर्स का आईटीवी का रूपांतरण था यह फिल्म 27 दिसंबर को आईटीवी एक पर प्रसारित हुई चौ स्पॉल ने जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगरम 2018 में एली मिल्स का किरदार निभाया जो स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क सीरीज की पांचवीं किस्त है और द इम्पॉसिबल के निर्देशक जे बायोना द्वारा निर्देशित है श 2020 से स्पॉल ने एप्पल टीवी प्लस कॉमेडी सीरीज ड्राइंग में एस्तेर स्मिथ और इमेल्डा स्टॉन्टन के साथ एक प्रमुख भूमिका निभाई है पहला सीजन 1 मई 2020 को प्रीमियर हुआ था दूसरे सीजन का प्रीमियर 12 मई 2021 को हुआ था उन्होंने 2020 के बीबीसी नाटक द सेलिसब्री पॉइजनिंग्स में डीएस बेली की भूमिका भी निभाई श्री व्यक्तिगत जीवन स्पाल का कहना है कि उन्हें हमेशा अपने वजन से जूझना पड़ा उनका वजन 18 स्टोन 114 किलोग्राम दो पाउंड तक चला गया लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इतने सारे किरदार दिए गए कि उन्होंने अपना वजन कम करने की कोशिश की और पांच स्टोन बत्तीस किलोग्राम इकहत्तर पाउंड से ज्यादा वजन कम किया बारह अपने पिता की तरह वह क्रिस्टल पैलेस के प्रबल समर्थक है वह एक्टर्स सेंटर के संरक्षक है शिशा फरवरी 2008 में स्पाल की मुलाकात अभिनेत्री एलिस डू टॉयट से हुई चौदह अगस्त 2010 को उनकी शादी हुई चौदह और वे वेस्ट कैंसिंगटन लंदन में रहते थे 15 उनके तीन बच्चे हैं। एक बेटी जो 2011 में पैदा हुई एक बेटा जो नवंबर 2012 में पैदा हुआ और दूसरा बेटा 2015 में पैदा हुआ चौदह शादी 2021 में समाप्त हो गई और स्पाल अब ड्राइंग की सकलाकार एस्तेर स्मिथ के साथ रिश्ते में है जो तो दोस्तों अपकमिंग ये जो मूवी है इसका अभी कोई टीज़र ट्रेलर ऑफिशियल आउट नहीं किया गया आपने जो भी अभी टीजर ट्रेलर यदि देखा हो यूट्यूब पर तो वो सारे के सारे फैन मेड है ऑफिशियल ट्रेलर टीजर आउट नहीं किया गया है बाकी पूरी जानकारी मैंने इस फ्रेंचाइजी के बारे में बता दी है फ्रेंचाइजी ने अब तक बिलियन के अंदर कलेक्शन कर लिया है चार मूवी के अंदर बाकी अब जैसे और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में